सुसाइड नोट लिखकर युवक लापता, रामगंगा पुल पर मिली बाइक। लिखा है कि ससुराल वालों की वजह से गंगा में कूद कर दे रहा हूं जान, पिता को सूचना दे देना। परिवार वालों ने पुलिस पर टकराने का आरोप लगाकर एसएसपी कार्यालय में किया हंगामा। पत्नी के साथ ससुराल गए परोथी गांव में रहने वाले 22 वर्षीय राहुल की बाइक रामगंगा पुल पर खड़ी मिली। उस पर सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें लिखा है कि ससुराल वालों की वजह से परेशान होकर गंगा में कूद कर जान दे रहा हूं। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाकर तहरीर दी तो पुलिस ने टरका दिया, जिस पर उन लोगों ने एसएसपी ऑफिस में हंगामा किया। इसके बाद थाना क्योलड़िया में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। नवाबगंज के परोथी गांव निवासी द्वारिका प्रसाद का बेटा राहुल एलएलबी का छात्र है। पिछले साल जून में क्योलड़िया के गांव में कुंवरपुर तुलसीपट्टी की युवती से उसकी शादी हुई थी। रविवार को राहुल पत्नी को लेकर अपने ससुराल गया था। रविवार रात करीब 8 बजे सुभाष नगर बरेली से फोन आया कि रामगंगा पुल पर उसकी बाइक खड़ी मिली है। उस पर मोबाइल और एक सुसाइड नोट भी मिला है। परिजन थाना सुभाष नगर पहुंचे और गोताखोरों को बुलवाकर राहुल की तलाश की गई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। क्या नाम है आपका? मेरा संतोष। क्या मामला जो एसएसपी ऑफिस आयुक्त की संख्या में आप लोग? जी ऐसा हुआ था, कल मेरा भाई ससुराल गया था। ससुराल गया था वहां से, वो ये घर से कह के गया था मैं सुबह में आऊंगा। जब शाम को 9 बजे मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने सुसाइड कर लिया वहां से, इसके बाद हमें नहीं मिला। वो जब उनके यहाँ था तो वो क्यों छुपे छुपे फिर रहे हैं, उसके ससुराल वाले अभी तक हम लोगों के नजरों में नहीं आए वो लोग। तो इसका मतलब ये उन्होंने मार के डाल दिया हमारे भाई को, गाड़ी वहां पे छोड़ दी है। इसका जवाब हमें नहीं मिला, इसका जवाब पुलिस वाले हमें ढूंढ के देंगे। हमें 24 घंटे होने जा रहे हैं, कोई हमसे कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। फिर हम एसएसपी के साहब के यहाँ आए हुए हैं। क्या माँ कहाँ से कहाँ रहता भाई आपका? मेरा भाई नवाबगंज ग्राम परोथी पोस्ट ऑफिस सरदार नगर तहसील नवाबगंज जिला बरेली पड़ता है। ससुराल कहाँ उसकी? ससुराल है कुमरपुर। थाना उसका कुलड़िया। तो यहाँ कैसे सूचना मिली यहाँ पर उसकी बाइक? ऐसा था, सुनिए रुको, जब हमें सुसाइड लेटर इन लोगों को मिला उसकी बाइक का फोटो था, नंबर। अगर मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ तो मैं अपने बाप का नंबर डाल के जाऊंगा, बीवी का डालूंगा नहीं। और उसकी राइटिंग भी नहीं है, बात यह है। तो यहाँ क्या आश्वासन मिला? यहाँ पे साहब आज छुट्टी पे, कल ही कार्रवाई होगी जो भी होगी। मैं वहाँ पे भी सुभाष नगर गया, मैंने गुमसुम की एप्लीकेशन लिख लीजिए, तो वो कह रहे हमें बातों में उलझा निकल रहे हैं, वो बातों में ऐसी बॉडी मिलेगी तब कार्रवाई होगी कुछ भी। तो कोई सिद्धांत तो आप दीजिए हमें ठीक करके। हम ये लिखवा रहे हैं नवाबगंज में भी, नवाबगंज वाले कह रहे हैं थाने से कि बरेली से हमारे पास आएगी तभी हम कार्रवाई करेंगे। जो कौन सी कार्रवाई होगी? 1000 आदमी है, इतने लोग आए हुए हैं, कोई है तभी तो आए हुए हैं। श्री द्वारका प्रसाद जो थाना क्षेत्र नवाबगंज के ग्राम परोथी के रहने वाले हैं, उन्होंने थाना क्योलड़िया पर अपने बेटे राहुल कुमार जिनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है उसकी गुमशुदगी पंजीकृत कराई है, और जिसमें उन्होंने अंकित कराया है कि उनका बेटा राहुल कुमार नवाबगंज अपने गांव से कुंवरपुर तुलसीपट्टी में थाना क्योलड़िया क्षेत्र में अपनी ससुराल में आया था और वहां अपनी पत्नी को बताकर बरेली जाने की बात कहकर गया था, तब से वो वापस नहीं लौटा है। इस संदर्भ में थाना क्योलड़िया पर उसकी गुमशुदगी पंजीकृत की गई है। साथ ही साथ ये भी जानकारी आई है कि रामगंगा नदी के पुल पर एक बीचों बीच मोटरसाइकिल की खड़े होने की सूचना एक व्यक्ति के द्वारा दी गई थी, जिसमें उक्त राहुल का मोबाइल पर्स और प्राप्त हुआ है और उसी पर्स में एटीएम कार्ड के साथ साथ एक नोट प्राप्त हुआ है कि सास ससुर मुझे परेशान करते हैं, मेरे द्वारा अगर कोई भी कार्रवाई की जाती है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी मानी जाए। इस संदर्भ में तहकीकात कराई जा रही है, उसके मोबाइल आदि का विश्लेषण किया जा रहा है, तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। नदी में भी गोताखोरों को उतारा गया है और नदी में भी प्रयास किया जा रहा है कि अगर नदी में उन्होंने कोई सुसाइड किया है उसके बाबत भी प्रयास जारी है।